गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है और आज आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहे हैं उसमें पढ़ेंगे अपने कृषि। जो भी इससे पहले वाले वीडियो में जो मनुष्य के प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ा था अपने, उसमें संग्रहण के बारे में पढ़ा था, तो अब इसमें पढ़ेंगे अपन कृषि के बारे में कि मनुष्य ने कृषि करना कैसे प्रारंभ किया और ये किस प्रकार से की जाती है। देखो, वैसे देखते हैं तो कृषि मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय है और अभी भी, आज भी अगर बात करते हैं कृषि की, तो आज भी मनुष्य का ये प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। मनुष्य इस पर निर्भर है और अपने खाद्यान्न की पूर्ति करता है। तो पहले अपने ये देखते हैं कि कृषि होती क्या है। कृषि का मतलब होता है कि जो कृषि योग्य भूमि होती है उसकी जुताई बुआई करके, उसमें सिंचाई करके जो फसलों का उत्पादन किया जाता है उसको अपन कृषि कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कृषि की जो विधि होती है, कृषि की जो प्रणालियाँ होती हैं, एक नहीं होती है, कृषि की प्रणालियाँ अनेक प्रकार की प्रणालियों के माध्यम से कृषि को किया जाता है। यहाँ से देखो, कृषि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि को जोत करके फसल उत्पादन करना कृषि कहलाता है। कृषि मनुष्य के को प्रमुख खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है और इसके साथ साथ कृषि से भोजन की 71% जो आवश्यकता है वो पूरी होती है। या हम ये कह सकते हैं कि खाद्यान्न की जितनी भी मात्रा है वो लगभग कृषि से प्राप्त होती है। और एक कृषि विकासशील देश है उनका, वहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। तो यहाँ पर कृषि की प्रणाली की बात करेंगे कि कृषि एक रूप में नहीं की जाती है, कृषि अनेक प्रकार से की जाती है, कृषि के अनेक रूप होते हैं। जैसे कुछ लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, कुछ लोग आदिम स्थानांतरित कृषि करते हैं, कुछ लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं वहाँ पर पशुपालन कृषि की जाती है, विस्तृत कृषि की जाती है, बागवती कृषि की जाती है, बागवती कृषि के साथ साथ दुग्ध कृषि की जाती है, एक मिश्रित कृषि होती है वो की जाती है, फलोद्यान की कृषि की जाती है, यहाँ तक कि जो ट्रक फार्मिंग है ये भी कृषि का रूप है, ये भी कृषि की प्रणाली है। तो अपन कह सकते हैं कि कृषि की जो प्रणाली है वो अनेक प्रकार की होती है और मनुष्य अनेक क्षेत्रों में, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की प्रणालियों के माध्यम से कृषि को संपन्न किया जाता है, कृषि का कार्य किया जाता है, जो मनुष्य के रोजगार का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो विश्व में जो कृषि की जो प्रणालियां हैं, कृषि की प्रणालियां हैं। अब इसमें देखिए, पहली जो प्रणाली ली अपन ने, वो अपन स्थानांतरित कृषि की बात करते हैं कि भाई स्थानांतरित कृषि क्या होती है और ये कहाँ की जाती है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि इसमें स्थान चेंज करने से होता है। जैसे मान लो कुछ लोग किसी क्षेत्र में कृषि कर रहे हैं, साल दो साल बाद में या तीन साल बाद में या चार साल बाद में वहाँ का स्थान चेंज करते हैं और अन्यत्र स्थान पर जाके कृषि करते हैं, फिर वो तीन चार साल बाद में वो स्थान चेंज करते हैं, फिर अन्यत्र जाकर कृषि करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रणाली के दौरान जब कृषक कृषि करता है तो वो अपना स्थान चेंज करता रहता है। अब वो स्थान चेंज क्यों करता है, क्योंकि ये कृषि अधिकांशतः उन क्षेत्र में की जाती है जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, या ऐसी भूमि होती है जो ढलान वाली भूमि होती है, वहाँ वनस्पति अधिक होती है। तो इसमें वनस्पति को जला करके, उसको साफ करके, भूमि को उपजाऊ करके वहां पर कृषि कार्य किया जाता है। जब कृषि अनुपजाऊ हो जाती है, साल दो साल बाद में जब उसमें फसलें लेते हैं तो कुछ समय बाद में कृषि अनुपजाऊ हो जाती है, तो उसके बाद में फिर से उसको उपजाऊ करना पड़ता है। तो प्राकृतिक रूप से उपजाऊ करने के लिए उसको कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है और अन्यत्र जाकर के कृषि करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की कृषि क्या कहलाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है, यानी स्थान चेंज करके कृषि की जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई ये कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र होते हैं जो लगभग 30 डिग्री अक्षांश के आसपास होते हैं, उनके मध्य पाए जाते हैं, उनको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो कृषि की जाती है उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब देखो, इसमें वनों को जला करके भूमि को साफ कर दिया जाता है, इसमें वनों को जलाया जाता है, भूमि को साफ किया जाता है और फिर कृषि की जाती है। आप देखिए, इसमें तीन या चार साल बाद, कितने इसमें समय है, तीन चार साल बाद में, लगभग तीन चार साल बाद में इसका स्थान चेंज कर देते हैं,
भूमि का स्थान बदल दिया जाता है और अज्ञात स्थान पे के वनों को जला करके वहां की भूमि को साफ करके वहां पर कृषि कार्य किया जाता है। इसके बाद हम देखिए इस कारण इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। किस कारण? इसको जो जला दिया जाता है, फसल को साफ किया जाता है, उसमें फसल उत्पादन किया जाता है, तो इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब इस कृषि की कुछ विशेषताएं होती है भाई। जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिन क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि प्रणाली को अपनाया जाता है, तो वहाँ की कुछ विशेषताएं होती हैं। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, वहाँ पर जो खेत होते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा आकार नहीं होता है। क्यों? ये छोटे क्षेत्र में की जाती है और इसमें अधिकतर जो पुराने कृषि औजार होते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि अपन ये कह सकते हैं कि इस कृषि में अधिक से अधिक मानव श्रम का उपयोग किया जाता है और तकनीकी का उपयोग बहुत कम किया जाता है। एक बात यह है कि इसमें जैसे मानव श्रम का उपयोग किया जाता है, तो ये तो अभी पीछे पड़ा है, खेतों का आकार छोटा होता है, तो यहाँ पर गहन प्रकार की कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब क्या होता है कि क्षेत्र छोटा होता है, क्षेत्र सीमित होता है और उसमें अधिक मेहनत के द्वारा अधिक उत्पादन करने की, अधिक कृषि पैदावार करने की कोशिश की जाती है, उसको अपन गहन कृषि कहते हैं। अब देखिए, अब ये कृषि कहाँ की जाती है? ये कृषि अमेरिका का जो दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, जैसे कल पढ़ा था अपने उसके बारे में, घास के मैदान के बारे में, भाई दक्षिण अमेरिका जो अर्जेंटीना, वहाँ पर पंपास प्रकार की घास पाई जाती है, तो उन क्षेत्रों की बात करते हैं। तो वहाँ पर जो अमेजन बेसिन कहाँ है, जो ब्राजील के जस्ट ऊपर में, जो वेनेजुएला वगैरह उसके पास में है, जहाँ पर अमेजन नदी बहती है, तो अमेजन नदी बेसिन कांगो, जो अफ्रीका की नदी है, कांगो कहाँ की नदी है, अफ्रीका की नदी है, वहाँ पर उसके जो पूर्वी द्वीप समूह है उसमें इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो स्थानांतरित कृषि है, ये अमेरिका के अमेजन बेसिन क्षेत्र दक्षिण अमेरिका वाला, कांगो नदी बेसिन अफ्रीका वाला है, इसके पूर्वी द्वीप समूह है, वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, ये तो इसकी विशेषता हो गई और इसके स्थानों में कहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब अपन ये देखते हैं कि भारत में भी की जाती है। कहाँ की जाती है? भारत में, जैसे भारत का जो उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है, पश्चिमी बंगाल वाला जो आसपास का क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब देखो, इस कृषि को अनेक नाम से जाना जाता है, एक नाम से नहीं, स्थान विशेष के आधार पर इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे भारत में इसको अलग नाम से पुकारते हैं, अमेरिका में इसको अलग नाम से पुकारते हैं, मैक्सिको में जो है इसका अलग नाम है, इंडोनेशिया मलेशिया में इसका अलग नाम है, वियतनाम इसका अलग नाम है। ठीक है, तो सबके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे भारत की बात करते, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, सेवन सिस्टर जो राज्य हैं, पूर्वी राज्य वाले, इसमें इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमिंग। तो झूमिंग के आपसे पूछे झूमिंग कृषि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ये स्थानांतरित कृषि का एक रूप है या स्थानांतरित कृषि का ही नाम है जो भारत के पूर्वी भाग में इसे झूमिंग नाम से जाना जाता है। जैसे मिल्पा मध्य अमेरिका जो मैक्सिको है, भाई मैक्सिको और मध्य अमेरिका, यहाँ पर इस कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं। आपसे पूछे मिल्पा क्या है, अभी कभार क्या होता है, इससे मान लो कि कृषि ये इनके देशों के नाम ले देंगे, इसके सामने कृषि के नाम लिख देंगे, इनके अंदर क्रम चेंज कर देंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसको सुमेलित कीजिए, तो आपको जो सुमेलित करना है, इसके लिए आप सुमेलित तभी कर सकते हैं जब आप कन्फर्म हो कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदान कहते हैं और वियतनाम में इसे रे नाम से जाना जाता है। ये सब क्या है? ये सारे के सारे स्थानांतरित कृषि के प्रकार है, स्थानांतरित कृषि के अनेक नाम है, प्रकार नहीं, उसके नाम है। ठीक है, तो ये थे अपने स्थानांतरित कृषि। अब बात करते हैं इससे आगे आपके आदिम स्थानांतरित कृषि भी आती है। आदिम स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है कि जब स्थानांतरित कृषि ने स्थायी रूप लिया, धीरे धीरे उसमें स्थायित्व आने लगा, तो इस प्रकार की कृषि को आदिम स्थानांतरित कृषि कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि इस कृषि में धीरे धीरे पशुओं का जो व्यवसाय था, पशुपालन था, वो भी धीरे धीरे होने लग गया, तो इस कारण से मनुष्य स्थायी रहने लग गए। स्थायी रहते रहते उसने कृषि का प्रारंभ किया, उसको आदिम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। देखिए कि धीरे धीरे स्थानांतरित कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण किया, तब वह आदिम स्थानांतरित कृषि कहलाई। ठीक है, अब इस कृषि की कुछ विशेषताएं होती, जैसे इसकी विशेषता पड़ी थी उसी प्रकार से इसकी विशेषता भी होती। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले
कि ये कृषि करने से पहले जिस क्षेत्र में खेती की जा रही है वहां की मिट्टी को साफ किया जाता है, मिट्टी को साफ करके वहां पर जो कृषि की जाती है उसको अपन आदिम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किसमें सिंचाई की जाती है, लेकिन सिंचाई किससे की जाती है, जो प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध जल होता है, जो प्राकृतिक स्रोत थे, छोटे छोटे पौंड थे, तालाब वगैरह थे, उनमें से जो पानी उपलब्ध था, नहरें थी, नदियां थी, उनका उपयोग इसमें किया जाता था। एक बात यह है कि इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी महत्व दिया गया, पशुपालन भी अपनाया गया, ठीक है। और खेती की जुताई में और जो परिवहन हुआ करता था तो उन दोनों के अंदर पशुओं का उपयोग किया जाता था, जैसे बैल है, ऊंट है या अन्य प्रकार के पशु हैं जिनके द्वारा हल जोतना है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना है, तो इस प्रकार का कार्य उसे किया जाता। अब देखिए यहाँ पे नोट लगा के लिखा है मैंने कि खेती कहाँ होती है। देखिए इसका विकास कहाँ हुआ, इस कृषि का विकास मुख्यतः उत्तरी पूर्वी भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा मध्य इंडीज के देशों में इसका प्रारंभ हुआ, इसका विकास हुआ। तो ये थी अपनी आदिम स्थानांतरित कृषि। अब आदिम स्थानांतरित कृषि के बाद में जब जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, स्थायी कृषि करने लगे, स्थायी रहने लग गया, तो उसने भाई कृषि के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे एक जीवन निर्वाह कृषि है। कौन सी है? जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि मनुष्य जब अपने जीवन यापन के लिए या अपने भोजन के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस प्रकार की कृषि प्रणाली को अपनाया उसको जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता था। ये व्यावसायिक तौर पे नहीं की जाती थी, ये केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी, जिससे मनुष्य की जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति थी वो हो जाया करती थी। तो ये कृषि का स्थायी रूप है और ये अनुकूल भाई कहाँ की जाती है कि पहले इतने साधन नहीं थे अपने पास जो प्रकृति के प्रकोप से बच सके, हालांकि अभी भी नहीं बच सकते, लेकिन फिर कुछ हद तक हम उसको सहन कर सकते हैं, उसको परिवर्तित चेंज कर सकते हैं। तो यह कृषि स्थायी रूप, ये कृषि का स्थायी रूप है, ये अनुकूल प्राकृतिक परिस्थिति वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ की जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ कृषि के अनुकूल होती है वहाँ उस प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि का उपयोग मनुष्य ने क्यों किया? अपने जीवन यापन के लिए और रोजगार प्राप्त करने के लिए उसने जीवन निर्वाह कृषि का प्रारंभ किया। अब देखो भाई इसमें क्या होता है, भाई खेतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। खेतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है, ठीक। खेतों का आकार छोटा होने के कारण इसमें जनसंख्या अधिक होती है, जिस क्षेत्र में कृषि कार्य किए वहां पर जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है। अब जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या, भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, ठीक। भूमि का गहन उपयोग करेंगे तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा होगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति जो उत्पादन होता है वो कम हो जाएगा। क्यों? इस क्षेत्र सीमित है, काम करने वालों की संख्या ज्यादा है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो ज्यादा होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर उसको डिवाइड करते हैं उसका उत्पादन घट जाता है। इसमें अधिकतर मानव श्रम का उपयोग किया जाता है और जो भी फसलें बोई जाती हैं वो कैसी होती हैं? खाद्यान्न फसलें होती हैं, व्यापारिक फसलें नहीं होती। बात करते हैं व्यापारिक फसलें ही। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक किंतु प्रति व्यक्ति आय उत्पादन कम होता है। अब देखो इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, जैसे इलायची वगैरह है, काली मिर्च है, रबर है, केवा है, गन्ना है आदि प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। जीवन निर्वहन जो कृषि है ये दो प्रकार की होती है। देखो इसको फसल के आधार पे दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है कि एक तो चावल प्रधान कृषि होती है और एक गेहूं प्रधान कृषि होती है, और एशिया के जो मानसूनी क्षेत्र हैं वहां पर इस कृषि को किया जाता है। जीवन निर्वहन कृषि के प्रकार देखते हैं, चावल प्रधान और एक होता है गेहूं प्रधान। चावल प्रधान से आशय है कि इस प्रकार के क्षेत्र में चावल की कृषि की प्रधानता होती है, अधिकांश क्षेत्र में चावल बोया जाता है, इसलिए इसको चावल प्रधान कृषि कहते हैं। इसमें चावल की कृषि की प्रधानता रहती है। इस प्रकार की कृषि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड, दक्षिणी मध्य चीन में मिलती है। कृषि यहाँ पर वर्षा का जो औसत देखते हैं वो 100 सेंटीमीटर या इससे अधिक पाया जाता है, तो एक चावल प्रधान कृषि के अंतर्गत आती है। इसका दूसरा प्रकार है गेहूं प्रधान।
यानी कि जिस प्रकार से चावल प्रधान वाली कृषि में चावल की प्रधानता थी, तो इसी कृषि में गेहूं की प्रधानता रहती है। और इस प्रकार की कृषि भारत, उत्तरी चीन, पाकिस्तान और कोरिया में की जाती है, जहां पर वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो इस प्रकार जीवन निर्वहन कृषि चावल प्रधान कृषि थी और गेहूं प्रधान कृषि थी। अब मिश्रित वाणिज्य कृषि की बात करते हैं। देखो, एक व्यापारिक कृषि है जिसमें व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में की जाती है, जहां जनसंख्या के अनुपात में कृषि भूमि अधिक रहती है, उन क्षेत्र में विस्तृत वाणिज्य कृषि की जाती है। अब विशेषताएं देखिए कि ये विस्तृत क्षेत्र में की जाती है, इनका क्षेत्र काफी लंबा चौड़ा होता है, और कृषि करने के लिए मानव श्रम की बजाय मशीनों का अधिक उपयोग किया जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो अधिक पाया जाता है। ये कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में की जाती है और ये कहां-कहां की जाती है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो कल भी अपन ने चर्चा की थी, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आए थे, ये जो यूरेशिया में स्टेपी जो घास के मैदान है वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज जो घास के मैदान है वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अर्जेंटाइना जहाँ पंपास, कल अपन ने क्या किया था कि इसको अमेरिका लिख दिया था, तो दक्षिणी अमेरिका था, कौन सा था उसके आगे दक्षिणी अमेरिका नहीं लगा हुआ, तो देख लेना उसमें दक्षिणी अमेरिका आएगा। दक्षिणी अमेरिका में जो अर्जेंटीना है देश है, उसमें ये पंपास घास के मैदान होते हैं। और दक्षिणी अफ्रीका में विल्स नाम से घास के मैदान है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, नाम के जो घास के मैदान है उन क्षेत्र में या इन घास के मैदानों में ये विस्तृत वाणिज्य कृषि की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं बागाती कृषि की बात करते हैं। कौन सी कृषि की बात करते हैं? बागाती कृषि की बात करते हैं। देखिए, बागाती कृषि का मतलब है कि बागान के रूप में की जाने वाली कृषि होती है, और इसमें अधिकतर जो फल वाली जो फसलें होती हैं या जो व्यापारिक फसलें होती हैं उनका उत्पादन किया जाता है। और इनका प्रमुख उद्देश्य था जो यूरोपीय देश है तो उनकी जो मुख्य आवश्यक जो उपजे थी उनको उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख लक्ष्य था। और इसका विकास भी यूरोपीय देशों ने किया, कहाँ कहाँ किया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, बागाती कृषि की बात करते हैं, तो वाणिज्य कृषि है जिसमें व्यापारिक फसलें बोई जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य यूरोपीय देशों को जरूरी उपजे उपलब्ध कराना है। कृषि का विकास अब किस क्षेत्र में, किस देश ने वहां पर कृषि का विकास किया? पहले ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, चाय जानते हैं पीते हैं टी, मलेशिया में रबर के बागान लगवाए, और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना व केले के बागान लगवाए। किसने लगवाए? ब्रिटेन ने लगवाए। इसके बाद में फ्रांस की बात करते हैं, तो फ्रांसीसियों ने अफ्रीका में कॉफी और कोको के बागान लगवाए थे, उसका रोपण करवाया था। इसी प्रकार अमेरिका वासियों ने भी फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगवाए। ठीक है, और अनेक ऐसे जो यूरोपीय देश है जिन्होंने, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में देश है, वहां कैवा के बागान लगवाए, और उन कैवा के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई फेजेंडा क्या है? ठीक है, फेजेंडा क्या है तो आप बताएंगे कि ब्राजील में जो कैवा के बागान हैं उनको अपन क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो बागाती कृषि थी इसकी विशेषता देखते हैं। इसकी विशेषता यही है कि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, अधिक तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है, और अधिक जो योग्य श्रमिक होते हैं उनकी आवश्यकता इसमें पड़ती है। ये एक फसली कृषि है जिसमें एक फसल को विशेष रूप से बोया जाता है। ठीक है, यह उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। जो उद्योग है, जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं उनको कच्चा माल उपलब्ध करवाने का कार्य बागाती कृषि करती है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? इसमें इलायची,
काले मिर्च, रबड़, गन्ना आदि की कृषि की जाती है। इसकी कृषि की जाती है, इसमें इलायची बोई जाती है, काले मिर्च बोई जाती है, रबर बोया जाता है, गन्ना आदि की कृषि की जाती है। इसके बाद बात करते हैं मिश्रित कृषि। नाम ही है कि मिला जुला रूप होता है कृषि का। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में क्या करते हैं कि जैसे कुछ कृषि करते हैं तो कृषि के साथ साथ अपन क्या पालतू पशुओं को पालते हैं, ठीक है, तो उसका पालन भी किया जाता है। ये अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। जो ऐसे विकसित भाग होते हैं जो कृषि और पशुपालन को साथ साथ कर सकते हैं उन क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब देखो इस मिश्रित कृषि की जो विशेषता क्या होती है, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं भाई मिश्रित कृषि क्या होती है, इसकी विशेषता लिख, तो ये लिख करके इसकी विशेषता निश्चित वाले लिख लेंगे। देखो इसकी विशेषता होता है, पहली विशेषता ये कि यह फसल एवं पशुपालन साथ साथ किया जाता है। इसकी पहली विशेषता क्या है कि इसमें फसल एवं पशुपालन साथ साथ किया जाता है। दूसरी विशेषता क्या है कि जो खेतों का आकार न तो छोटा होता है न बड़ा होता, मध्यम प्रकार का होता है। कैसा होता है, मध्यम प्रकार की जोतें यहां पर होती हैं और अधिकांश पूंजी और योग्य श्रमिकों की आवश्यकता इसमें होती है। अब सस्यावर्तन एवं जो अंतर फसली कृषि होती है जिसमें बीच बीच में फसलें बोया करते हैं और जैसे हरी जो खाद की जो फसलें हैं तो वो क्या करती है कि भूमि को उपजाऊ बनाए रखती है, भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखती है। अब इसका विस्तार देखिए कि जो मिश्रित कृषि है ये देश विश्व के किस भाग किन भागों में की जाती है। देखिए इस कृषि का विस्तार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, उत्तरी चीन, इसके साथ यूरोप, यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिणी महाद्वीपों के शीतोष्ण जो अक्षांश है उन भागों में इस प्रकार की कृषि का विस्तार आपको मिलता है। यहाँ पे यूरेशिया शब्द आया है, एक यूरेशिया शब्द आया है, इस यूरेशिया का मतलब क्या है कि एशिया और यूरोप का जो मिलावा रूप है उसको अपन क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। उस क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। आप इस जो मिश्रित वाणिज्य कृषि वाले जो क्षेत्र हैं इनको विशेष ध्यान से देखना क्योंकि ये कभी कभार प्रश्न पूछ लेते हैं, सुमेलित करवा लेते हैं कि भाई आपसे एक तरफ देश लिख दिए जाएंगे, एक तरफ घास के मैदान लिख दिए जाएंगे, आपको सुमेलित करवाया जाएगा। तो सबसे बढ़िया बात है कि जो आपका यूरेशिया है, अभी बात करते हैं यूरेशिया की, यूरोप और एशिया वाला भाग, उसमें जो घास के मैदान होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के, उसको अपन क्या कहते हैं, स्टेपी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेपी। दूसरा उत्तरी अमेरिका के भाग है उसको प्रेरीज कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज। इसी प्रकार से अर्जेंटीना में जो अमेरिका वाला यानी कि दक्षिण अमेरिका का जो देश है वहां पर इसको पंपास कहते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं इसको वेल्स कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स कहते हैं और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इनको एक विशेष तौर से ध्यान से देखना या आपसे सुमेलित करवाया।